हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो हम आज बात करने वाले हैं ITI एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी देख सकते हो, 1036 वैकेंसी है, हैशटैग लगा हुआ है, मतलब कुछ बट घट और बढ़ भी सकती है वैकेंसी। तो इसमें जनरल की है 451, ठीक है, भर सकते हो आप, 24 मई तक भर सकते हो, लास्ट डेट है, और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जुलाई। एंड भाई इसमें सच बताऊँ ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिल जाती है आप जुलाई, मेरा इसी टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, और मुझे ज्वाइनिंग 29 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, मतलब जुलाई अगस्त, मतलब दो महीने में पूरे नहीं हुए थे, ज्वाइनिंग मिल गई थी, है ना। तो ये फॉर्म वो भर सकता है जैसे कि कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस है, मतलब जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एक्सपायर कर रहा है, जैसे IBPS क्लर्क या फिर कोई भी पेपर, इनका ठीक ठाक रहता है लेवल, मतलब वही लेवल रहता है जो सारे बैंक IBPS से कंडक्ट करा रहे हैं ना, तो जो सारे बैंकों का लेवल होता है ना, उसका इसका भी वही लेवल होता है, ठीक है। तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट है वो बिल्कुल भरे, ठीक है, आपको ज्वाइन करना ना करना वो अब बाद में डिपेंड करता है, तो फॉर्म तो बिल्कुल भरो, मेरा यही सजेशन है। एंड मुझे इस बैंक में काम करते हुए 1 साल हो गए, एक्चुअली ज्वाइनिंग के बाद इसके मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई ढंग से, तो मेरा कोई और पेपर मतलब मैंने दिया ही नहीं अच्छे से, तो इस ईयर मैं अभी दूसरे पेपर भी दूंगा, एंड होप सो मैं दूसरा पेपर निकाल भी लूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे जैसे कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब मुझे मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब बैंकिंग का बहुत कुछ मुझे नॉलेज हो चुका है, ठीक है। एंड स्पेशली IDBI एग्जीक्यूटिव और AM की बात करोगे ना, तो सारा कुछ मुझे नॉलेज है, तो मैं आपको अच्छे से आंसर कर दूंगा आप किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पर मैं फ्रिक्वेंटली आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये रहा, इनकी फॉर्म की फ़ीस होती है 1000 होती है, ठीक है। एंड इसमें रेम्यूनरेशन की बात करते हैं अपन, सैलरी की, ठीक है। 29000 आपकी सैलरी है, ठीक है, इसमें TA DA कुछ नहीं मिलता आपको भाई। 29000 में से 2900 आपका कट जाएगा, किसका 2900 आपका कट जाएगा, 10% NPS का कट जाएगा, 10% बैंक भी देता है ना, तो आपका 5800 NPS जाएगा हर महीने। और इसमें और आपका इंश्योरेंस का 200 लगभग कटेगा, और इसमें जो 29000 में आपका खाने का भी इंक्लूडेड रहता है ना, यानी खाना बैंक स्पॉन्सर करता है, किसी किसी सोल में अलग होता है। सोल का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जैसे बैंक होते हैं ना, जैसे बैंक, जैसे मैं शहडोल में हूँ तो मेरा सोल कुछ हो गया, कोई अनूपपुर में है या फिर कोई कटनी में है, कोई जबलपुर में है, तो उनका अलग सोल हो गया, तो खाने का सोल टू सोल डिपेंड करता है। तो अगर आप खाना लेते हो तो आपका लगभग 45 रुपीस पर टिफ़िन का लगता है ना, तो लगभग 1300 कुछ होते हैं टोटल। तो अगर आप खाना नहीं लोगे तो सैलरी में ऐड हो के मिल जाएगा, खाना लोगे तो वहीं कट जाएगा। तो मैं खाना लेता हूँ तो मुझे 25200 कुछ मिलता है, एंड जो खाना नहीं लेगा उसका 26200 कुछ सैलरी आती है, 26000 कुछ 300-400 है ना। तो आपको नेक्स्ट ईयर आपकी लगभग 2800 सैलरी आएगी, फिर नेक्स्ट ईयर आपकी लगभग 30000 के लगभग सैलरी आएगी, ठीक है। तो ये हो गई बात सैलरी की, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अलाउंस सच एस DA HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस और DNS अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हम बात करें इसका पेपर का भाई, जैसे कि 60 नंबर ये आता है, 60 क्वेश्चन ये आते हैं 60 नंबर के, इंग्लिश है 40 का, है ना। तो देखो 2021 में मैंने पेपर जब दिया था तो इसका पेपर PO लेवल का है ना, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल था। फिर अभी जो लास्ट ईयर यानी 2022-23 फाइनेंशियल है, तो उसमें जो पेपर हुआ था ना, तो क्लर्क लेवल का था, बहुत मतलब क्लर्क लेवल का ही था, जिसने क्लर्क की तैयारी करी होगी ना वो उस पेपर को आराम से निकाल लेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भरो, क्योंकि आपको इवेंचुअली एग्ज़ाम तो देना ही है, इस एग्ज़ाम में बैठोगे, नंबर आएंगे, निकलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना चाहते हो, अभी क्या है 2-3 महीने के अभी अंदर कोई पेपर है नहीं, ठीक है, अभी जो भी पेपर आएंगे जुलाई से अभी आना स्टार्ट होंगे, तो उनका पेपर 1-2 महीने हो ही जाएंगे, मतलब 2-3 महीने लग ही जाएंगे, है ना, मोटा मोटा बोले तो इसलिए आप इसको अभी दे दोगे ना पेपर, तो आपका अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड अगर मैं होता ना, मुझे भरना होता तो मैं ज़रूर देता, मैंने दिया ही था एक्चुअली, है ना। एंड रही वर्क एक्सपीरियंस की बात, वर्क लोड की बात, तो भाई देखो बैंक है तो वर्क लोड तो रहेगा ही, ठीक है, कोई भी बैंक हो, नॉट ओनली IDBI, इवन SBI,
में ज़्यादा काम होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, अगर अगर आप कैशियर IDBI में हैं और SBI में है ना, तो आपको SBI में ना मतलब आपका जो मान लो 9 बजे आप चले गए से 6 बजे तक आप 1 मिनट के लिए फ्री नहीं होगी, क्योंकि SBI में ना बहुत ज़्यादा रश होता है। और सरकार की योजनाएँ जैसे कि हमारी MP में भी वो एक योजना आ गई थी जिसमें 1000 पर मंथ मिलने थे, तो भाई इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्या बताऊँ। लेकिन हमारे IDBI में उतना ज़्यादा नहीं रश नहीं था, क्या हमारे यहाँ कैश में भी उतना ज़्यादा रश नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये है कि काम आपको ये लोग जल्दी छोड़ते नहीं है बैंक, मतलब भले आप फ्री हो जाओगे जल्दी छोड़ते नहीं है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है, बाकी सब ठीक ही है। मतलब मैं तो काम कर ही रहा हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं फील हो रहा है, ठीक है। अब कहीं किसी ब्रांच में ज़्यादा प्रेशर होता है, किसी ब्रांच में कम होता है, ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। और रही बात पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपको ये लोग ज़्यादा दूर नहीं देते हैं, घर के पास ही देते हैं। एंड मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में, मेरा जॉब के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको अगली वीडियो में दूँ, मतलब एक वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, पूरा सोली डिपेंड होगा वो मेरी जॉब प्रोफाइल में, मैं करता क्या हूँ वहाँ पे, ठीक है। वो पूरा बताऊँगा आपको, मैं सुबह से वहाँ पे जाके शाम तक मैं करता क्या हूँ, मेरा रूटीन क्या होता है, एंड उसके साथ साथ मैं पढ़ाई कैसे करता हूँ, मैनेज कैसे करता हूँ, सब कुछ आपको बताऊँगा। एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। थैंक यू।